प्रणाम दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अलग है। मैं रेगुलर पार्क में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत से बूढ़े लोग आते हैं, पार्क में बैठे रहते हैं। शाम को और सुबह में आप जाके देखें तो पार्क में बूढ़े लोग आते हैं, क्योंकि रिटायर्ड लोग होते हैं, जवान लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, कि कुछ बूढ़े लोग काफ़ी आपस में ही बात करते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। आप उनकी बातों को अगर देखें तो आप पाएंगे कि उनकी बातों में कोई क्या नाम है, मतलब कि एक समझदार आदमी, पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को तथाकथित जो पढ़े लिखे बोलते हैं, तो उनके लिए वो सब लगेगा कि वो दे आर टॉकिंग सीट्स लाइक दैट, कि वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वो ज़्यादा बकवास करके ज़्यादा खुश रहते हैं वो। जबकि दूसरा एक समूह होता है, आप जाएंगे पार्क में, जो बूढ़े लोग आपस में कोई पॉलिटिक्स के बारे में, कोई सीरियस बातों पे करता है, तो उनका चेहरों पे खुशी नहीं दिखाई देती है। वे उनको लगता है कि वो पूरा सीरियस है, आज भी इस उम्र में भी वो सीरियस दिखते हैं। लगता है कि उनके ऊपर पूरा भारत का जिम्मेदारी आ गई है, मोदी जी अब प्रधानमंत्री पद छोड़ के इनको देंगे, इतना ज़्यादा वो सर पे जिम्मेदारी लेके पूरी देश दुनिया की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, देश में विश्व में क्या होना चाहिए। लेकिन एक ऐसा समूह होता है जो सिर्फ बकवास कर रहा होता है, सिर्फ आपको अगर पढ़े लिखे लोगों को लगेगा कि वो बकवास कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुश रहे हैं, ठहाके बहुत मार मार के हंस रहे हैं, खूब मस्त है। तो मैं ये पूरे क्या नाम है, 5 साल से जब से मैं पार्क में जाना शुरू किया हूँ, मैं देखा हूँ ये चीज़ें, तो सोचा कि चलो ये आज आपके साथ शेयर करते हैं। जीवन में मैंने देखा है कि ऑफिसेज भी हो, ऑफिस में जाके देखो, स्कूल में जाके देखो, किसी बस अड्डे पे देखो, कहीं भी जो पब्लिक प्लेस हैं, जो लोग आपस में बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, हंसते हैं, वो अक्सर बकवास ही कर रहे होते हैं। पढ़े लिखे लोगों की नज़र में लगता है कि ये बकवास है। आप जाके, क्योंकि आप हर जगह इंटरव्यू नहीं दे रहे होते हैं कि इंटरव्यू में आपको सभी चीज़ें लॉजिकल और रैशनल और क्या नाम फैक्चुअल्स, ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती है हर जगह की। आदमी को खुश रहना है। आप अगर टीवी देखो, प्राइम टाइम देखो, 9 बजे के बाद जितने भी आते हैं, न्यूज़ चैनल हो, चाहे जो भी डिबेट शो चल रहा है, जो भी आपके कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा है, सब बकवासी तो कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बताओ जो भी आपके ये लाफ्टर चैनल, बकवास चैनल, ये सब क्या है, सब बकवासी तो कर रहे हैं। कहीं भी इनको लाइफ से कुछ लड़की हंस रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो लोगों का मकसद होता है एक कि हमें हंसना है, तो सीरियस रहने का जो ये और पढ़े लिखे, बिकॉज ये आप कॉलेजों में बच्चे जो बच्चे होते हैं, अगर आप जाओगे कॉलेजेज में देखोगे तो जो स्कूल्स में, यार यू आर टॉकिंग रैशनल्स, यू नो यू आर टॉकिंग लॉजिकल्स, इलॉजिकल्स, कि दैट गाइज टॉक नाइस, यू नो लाइक वेरी लॉजिकल थिंकिंग, ये सब कुछ काम नहीं आता है। याद कर लो, लॉजिकल लोग ही सुसाइड करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत लॉजिकल था, पढ़ा लिखा था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, ही कमिटेड सुसाइड। एक रिक्शा चालक जो होते हैं, जो चाहे गांव के जो भी जो लोग होते हैं, जो किसी रोड पे पड़े हुए हैं लोग, तो उनको लॉजिकल नहीं है वो सब चीज़ें, वो चीज़ें अपने जी रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाजार, कमिंग बैक फ्रॉम बाजार, ईटिंग गुटखा पान मसाला बीड़ी सिगरेट पौआ मार के पड़े हुए हैं, खुश हैं, कोई उनको चिंता नहीं लगी रहती है कि क्या है। तो जो ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि हमेशा सीरियस रहना है, ये लॉजिकल बातें करनी है, हमेशा रैशनल होना चाहिए, एक प्रूडेंट होना चाहिए, आपको हमेशा समझदारी की बात करनी चाहिए, आपको एक गंभीर अवस्था में रहना चाहिए, आपको गंभीरतापूर्वक बात करनी चाहिए, आपको कम बोलना चाहिए, एक नैरेटिव सेट किया गया है ऊपर वाले लोगों से। आप देखें, अगर आप मोदी जी का देखें तो उनको वो भी कभी कभी आप देखेंगे कि वो बकवासी कर रहे होते हैं, आम छिल के खाते हैं, कि आम काट के खाते हैं, कभी बादल के कारण कोई फ्लाइट का प्लस क्या नाम है मिसाइल का प्लस वो जो भी
चीज़ें हैं, तो वो आप देखोगे कि वो भी समटाइम ही बिकम्स इरेशनल। तो इससे क्या होगा कि वो खुश रहने के लिए वो सब करते हैं ताकि मीडिया उनको अटेंशन मिल जाए। तो कहीं भी मैं देखता हूँ कि जो ये सीरियस लोग बन के रखना, देश में क्या हो रहा है, आदमी को अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी चीज़ है कि खुश रहना है, तो बकवास कैसे करें इसको सीखना चाहिए। बकवास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ भी मन में आ रहा है बोलो। अगर आप फैक्ट्स ढूंढने चलोगे ना तो आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे। याद करो, आपको एक ऐसा आदमी मिल जाएगा जो उस फैक्ट्स को जस्टिफाई कर रहा है। यही सारे न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, वो फैक्ट्स के नाम पे ज़्यादा ये जो होती है ना फैक्ट्स के चक्कर में, ये फैक्ट्स वो फैक्ट्स ये फैक्ट्स वो फैक्ट्स, ये सब ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। आजकल हर एक चीज़ों का माँ बहन हो चुका है। सारे जितने भी साइंस हो, आर्ट्स हो, हिस्ट्री हो, आजकल एक कोई भी चीज़ें अब सही स्पष्ट रूप से नहीं रहेगी कि एक ही चीज़ पे आपका अथॉरिटी है। तो ये जो नैरेटिव जो है कि हमेशा ये समझदार की तरह बात करना है, तो ये सब नहीं है। आपको खुश रहना है, आप खुश रहिए, बात कीजिए, मस्त रहिए, बकवास कीजिए। बकवास कैसे करें इसके लिए क्या है कि आप किसी भी बात पे आपके दिल में जो आए बोल दो। ये मत सोचो कि इसका क्या है कि ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है। खुश रहना है, अगर ठाके लेके हंस रहे हो किसी जोक पे तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको क्या नाम है उसके लिए। आजकल कोर्ट भी लोग पहुंच जाएंगे किसी अगर चीज़ पे अगर किसी को ठाके लग जाए तो। और किसी धर्म की, किसी के धर्म की अपमान नहीं करनी चाहिए किसी भी, विशेषकर जो हमारे आजकल कॉमेडी चैनल, जो कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी, ये कभी गोथरा की, कभी हमारे भगवान की, कभी उसके भगवान की ऐसे कर देते हैं, तो ये सब नहीं। आप किसी बातों पे हंसो, किसी आदमी पे हंसो, ये सब चीज़ें सही है। तो बकवास पूरा आप देख लें आज भारत में, चाहे पिछले साल से कभी भी आप देख लें 10 साल 20 साल, ये सारे के सारे जितने भी मूवी हैं या फिल्म है, ये सब बकवास ही तो आपको दिखेगा। ऐसे ऐसे अभी एक सीरियल आती है नागिन सीरियल बोलिए, ये मॉडर्न टाइम में क्या नागिन हो सकता है आपको लगता है? लेकिन कुछ लोग लगता है, दे आर वॉचिंग, उसका टीआरपी बहुत ज़्यादा है। अभी तरह केबीसी देख लो, कितने लोग करोड़पति बनते हैं, ये चल रहा है। तो ये सब जो है कुल मिला के कि हमेशा लॉजिकल दिखना है, इलॉजिकल नहीं दिखना है, हमेशा आपको रैशनल बातें करनी है। ये सब चीज़ें एक किसी ने नैरेटिव सेट किया है, पढ़े लिखे लोग ने, तथा जो पढ़े लिखे लोग ने नैरेटिव सेट किए, और आपको बकवास करना सीखना है। किसी तरह बकवास कीजिए, बकवास करेंगे मन फ्रेश रहेगा, खुश रहेगा। ज़्यादा फैक्ट्स ऑक्स के चक्कर में मत पड़िए कि ये फैक्ट्स वो फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स कहीं भी बन सकते हैं। हम आजकल फैक्ट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, उसको फैक्ट फैक्ट्री कहा जाता है। इसीलिए अमेरिका में, यूके में बहुत रिसर्च चल रहे हैं कि क्या क्या ये जो भी हम आज सुनते हैं ये आज का सत्य नहीं है, ये पहले इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो हर चीज़ बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। आपको आज आप यहाँ पे हैं, कल आप बूढ़े हो जाएंगे, और आप इसी लॉजिकल के चक्कर में ना आप अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे। मैं सलाह नहीं देता हूँ, पहली बात आप तो सलाह, मेरा व्यूवर्स भी बहुत कम है, ना कोई मुझे कमेंट करता है, ना मुझे कोई लाइक करता है, फिर भी मैं बोलता हूँ, बकवास करता हूँ, हाँ करूँगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं करूँगा। मैं किसी के दिल की तो ठेस नहीं पहुँचाई, मुझे तो केबीसी से करोड़पति बनने का मौका नहीं मिला, मैंने कितनी बार ट्राई किया, तो मेरे लिए तो बकवास ही तो है वो। और जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है क्या कहते हैं, मुझे तो कभी उनकी स्टैंड अप जो कॉमेडी वो जो बोलते हैं, मुझ पर तो हंसी आती नहीं है। मुझे हंसी आती है जब मैं अपने गाँव के आदमी, अपनी भाषा में, अपनी जो लोग होते हैं उनके साथ किसी विषय पे, किसी व्यक्ति पे बात करके ठहाके की हंसी आ जाती है। तो ये सब कुल मिला के जो भी चल रहा है, ये पूरी ब्रह्मांड में भी जो चल रहा है, हर कोई बकवास कर रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ये चीज़ ना रखें कि बकवास करेंगे तो हमें लोग ख़राब कहेगा। ज़िंदगी हर चीज़ आपको इंटरव्यू नहीं होती है। मैं देखा हूँ UPSC वाले लोगों को भी बकवास करते हुए, जो अपने आप को क्या नाम है, ये काफ़ी बड़ी इंटरव्यू होती है, तो जाके इंटरव्यू के बन जाते हैं लॉजिकल, बन जाते हैं रैशनल,
बन जाते हैं प्रूडेंट जब इंटरव्यूअर्स के सामने होते हैं, बाद निकल के फिर वो बकवास चालू है, फिर वो बकचोदी चालू है। तो ये चीज़ें जो है कि हमेशा आपको ये चीज़ देखना है कि हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और धन्यवाद कर अपने आप को देते रहें खुद को कि भैया आज मैंने मस्त ज़िंदगी जिया। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, लाइक भी नहीं कीजिए छोड़िए, जाने दीजिए, कमेंट तो दूर की बात है वो भी छोड़िए, सब्सक्राइब तो सबसे बड़ी दूर है। चलिए यहाँ तक तो आपने अगर देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।